मैं सोच रहा हूँ कहीं एकदम गुफा में बैठ के व्लॉग शूट करूँ। खत्म, टाटा बाय बाय गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज जा रहा हूँ प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ। देखो बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जाए। और कहीं जाने लायक तो है नहीं जगह, प्रैक्टिस भी जा रहा हूँ वो हेलीकॉप्टर। तो कल रात हुई थी बारिश, मतलब ठीक ठाक वाली हुई थी बारिश। तो पता नहीं मेरे को ग्राउंड सूख गया होगा, अब तक गीला होगा। और आज धूप भी निकल चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा शायद सूख गया होगा ग्राउंड। तो एक बार जाके देखते हैं ग्राउंड सूखा है तो ठीक है, नहीं सूखा तो वापस आना पड़ेगा। तो अभी चलते सीधे ग्राउंड में, वहाँ जाके मैं आपसे बात करूँ। और अभी बात करूँ तो अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं नहाया था आज, नहा धो के फुल रेडी प्रैक्टिस की ड्रेस पे। तो मैं चलता है प्रैक्टिस पे, फिर वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। और वहाँ एक बिल्ली है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। अरे जूम, अरे कहाँ गई, या भाग भी गई बिल्ली, चलो कोई बात नहीं, हम चलते सीधा प्रैक्टिस पे। Few moments later. तो गाइस ग्राउंड आ चुका हूँ, और ग्राउंड इतना गिल्ला भी नहीं है, हल्का हल्का एकदम कोसा कोसा गिल्ला एकदम, मतलब प्रैक्टिस करने लायक तो है ही। तो दो जने आ चुके हैं और आगे तीन हैं, कुत्ते भी हैं। तो अभी चलते थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये हल्का हल्का गिल्ला है यहाँ पे, तो हमने इसको सूखने के लिए दिया है, सूख जाएगा वैसे तो। और एक जना आ चुका है प्रैक्टिस पे, तो मैंने वार्म अप तक किया नहीं, करते हैं फिर, करेंगे वार्म अप, फिर आपको मिलते हैं प्रैक्टिस पे। तो गाइस अभी प्रैक्टिस हो चुकी है और मैं आ गया बाहर गेट के, और ये रही अपनी फरारी। तो अभी चलते घर, अभी 3 बज गए हैं तो चलेंगे घर। घर में बहुत ज़्यादा मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाएंगे। हमें जाना पड़ेगा दुकान, क्योंकि पापा नहीं है दुकान पे, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी चलते सीधा घर। A few moments later. तो गाइस अभी बजे हैं 4 बज चुके हैं, तो मैं आ गया हूँ दुकान पे। तो आज बोलू तो प्रैक्टिस की कैसे रही, तो बोलू प्रैक्टिस आज मैंने बस ओनली पेशेंस लेवल अपने, मतलब एकदम रोक के, मैं एक दो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था बट हुआ नहीं अच्छे से, तो फिर मैंने उसके बाद ट्राई एक भी नहीं किया। मैं रोक रहा था बट डिफेंस ड्राइव डिफेंस, बस ऐसे आज का दिन गया मेरा, डिफेंस ड्राइव करते करते गया। और स्कोर अगर करना है तो पेशेंस से स्कोर करना होगा मुझे। हमने हॉट चेकिंग बिडलर बैट से अभी और 3-4 बैट से प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपना जो बैट है तो उससे बहुत फर्क दिखेगा।
अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी यही ट्राई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अगर बैट नहीं है कोई अच्छा वाला, वो है नहीं, आप स्टम्प्स भी कर सकते हैं, स्टम्प्स भी बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो और हमने कीपिंग थोड़ी देर कीपिंग की थी, मैंने मतलब तेज बॉल डाला था, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और मैं कीपिंग पीछे मैं कीपिंग कर रहा था। उसकी मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सर थे हमारे, तो आपको मैंने बताया कि हमारे सर गुस्सा करते हैं वीडियो बनाने से, हमारे सर गुस्सा करते हैं, पता है वीडियो शूट करने से मना करते हैं। वो तो मैंने बैटिंग की वीडियो क्यों शूट कर पाया क्योंकि सर तब थे नहीं, तब काम से गए थे, इसलिए मैं वो वीडियो शूट कर पाया था। तो बस ठीक है, ऐसी हो गया आज प्रैक्टिस। और अभी पापा थे भी कहीं गए मार्केट में, 2:30 बजे गए थे, तो मैं पहले ही करके गया था बात कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, तो मैं आके आप चाबी रख जाना और घर पे रख जाना, तो रख के गए थे, तो इसलिए मैं आके खोल के बैठ गया आराम से और अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी 4 बजे हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं एकदम गुफा में जाके आराम से वहाँ पे बैठ के व्लॉग शूट करूँ, यहाँ से ऐसे घूम घूम तो आएगा नहीं ना। देखो अब शांति होगी, टॉपिक बोल नहीं रहा ना कुछ, अब शांति होगी। देखो अभी थोड़ी देर बाद अभी फिर से जाएगा, ऐसे नहीं होगा यार, बातें नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे, बैठते हैं। और अभी तो कल मैच देख रहे थे, टीवी भी एक तरह से प्लग खराब हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्लग ऐसे हो गया, टूट गया पूरा, ये वाला टूट के गिर गया, कल गिर गया था, मतलब ऐसे नीचे गिर गया था डिस, देखते देखते फुट से खत्म। टाटा बाय बाय, टाटा गया, गुड बाय गया, ऐसे हो गया था। तो मैं फ्री बैठूंगा तो मैं ब्लॉग को एक बार ब्लॉग है मैंने साथ साथ एडिट, तो अभी एडिट करता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस अभी 6 बजने ज़्यादा हो गए, तो चलते घर और घर जाके मैं आपसे बात करता हूँ, बाय। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और ये मिला खाने के लिए, है क्या मेरे को नहीं पता बट ठीक लग रहा है खाने में, हमारे बंगाली में इसको झालमुड़ी बोलते हैं, तो ठीक लग रहा है खाने के लिए, तो उसको फटाफट फिनिश करते हैं और कुछ तो नहीं खाएंगे पियेंगे, दुकान फिर से जाना पड़ेगा, तो अब इसको हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। तो गाइस मैं आ गया दुकान पे और मेरे लिए हल्की चाय भेजी थी, वो भी पी लिया और अभी 7:30 हो चुका है और लाइट भी भाग गई, मतलब हमारे दुकान में तो इन्वर्टर है इसलिए लाइट है, लेकिन बाहर पूरी रात चल रही है, बाहर पूरी मतलब देख लो कुछ नहीं दिखेगा आपको, बस मेरे स्कूटी के अलावा आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यार आज मैं मतलब वार्मर पहनता था इसलिए मेरे को ठंड थोड़ा कम लगता है, लेकिन वो नहीं पहना तो आज ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन है नहीं उतनी ठंड, हल्की हल्की अभी बारिश हुई है, हल्की हल्की एकदम बूंदाबांदी से हुई है, रात को अभी 1-2 दिन से तो रात को रोज बारिश हो रही है, बट जब भी प्रैक्टिस हो जाए तो पूरा एकदम ग्राउंड से कभी इतना है, ठीक है बारिश होनी तो होता रहो, लेकिन प्रैक्टिस टाइम पूरा सूखा सूखा मिल जाए तो वही बहुत है। तो थोड़ी देर बैठते फिर चलेंगे घर, पूरा दिन फ्री था ऐसे ही बैठे ही रह गया मैं, तो पापा फोन की बात कर रहा हूँ, मम्मी से क्या है फोन, अच्छा दो दो फोन लेके घूम रहे हो, बहुत पैसा आने बन गए, पैसा ही पैसा। तो ठीक है मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो गाइस वीडियो टेढ़ी हो गई है, वीडियो टेढ़ी हुई है इसलिए कि मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम पीछे, तो बज गया भी 9, तो हम चलते भी घर, होगी सब मतलब सब बंद कर दें अंदर, पैक हो गया सब, तो अभी चलते हैं घर। हम मेरे को पता है कि ये व्लॉग बहुत बोरिंग बनेगा, बट आज का दिन ही ऐसा बोरिंग सा, आज का दिन ही ऐसा था, तो मैं क्या बोलूँ आपको, बट आप झेल लो कोई बात नहीं, अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो भी लाइक करना, व्लॉग अच्छा नहीं लगेगा तब भी लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई यहाँ है, अभी यहाँ हमको पहुँचना है, तो इसलिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई नी आवर्स चैनल। तो अभी चलते हैं घर और बहुत भारी, तो अभी चलते हैं घर पे, फिर मैं करूँगा ब्लॉग का एंड, तो अभी चलते हैं सीधा घर।
आपको तो गाइस अभी ये भेजा था मम्मी ने लाने कि हमको कुछ मीठा खाना है, तो ये लेके आए तीन। तो अभी चलते हैं घर पे, बहुत ठंड है। तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई पूरी बिल्डिंग में कोई आवाज़ तक नहीं है, मैं ही बहू की जा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।